लेकिन इसी बीच इसी खबर से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बताएं। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस पे जो ताजा अपडेट है वो ये है कि आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। आरोपी संजय रॉय की मनोदशा समझी जाएगी। इतना हीनियस क्राइम करने की हिम्मत और किस तरीके की साइकोलॉजी वाला ये क्रिमिनल हो सकता है, इसके लिए सेंटर से CFSL की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है और यहां उन्हें जानकारी हासिल करनी होगी। वरुण जैन का रुख करते हैं, दिल्ली से ये टीम पहुंची है कोलकाता। CFSL की टीम में बहुत बड़ा रोल होता है साइकोलॉजी का भी अगर देखा जाए, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी एक रिकॉर्ड का भी काम करती है। वरुण, आपके पास किस तरीके की इंफॉर्मेशन है? देखिए बिल्कुल, जो CBI की टीम है कोलकाता में, उसके साथ एक और टीम जुड़ गई है जो कि CBI CFSL की टीम है, जिसके अंदर डॉक्टर शामिल है। दरअसल ये टीम जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है संजय राय आरोपी है उसका करना चाहती है, क्योंकि मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक संजय रॉय से नहीं मिले हैं, तो CBI की जो एक्सपर्ट्स है, जो जांच अधिकारी है, वो ये जानना चाहते हैं कि इसकी मनोदिशा क्या है, किस तरह की मनस्थिति है, क्या ये मानसिक रूप से इतना मजबूत है कि चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। जिस तरीके से रेप के बाद बड़ा ब्रूचली इस हत्याकांड को अंजाम दिया, तो कहीं किसी तरह की कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी, कोई दूसरी पर्सनैलिटी तो नहीं है जो इसके अंदर हो, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके जो जवाब है वो जानना चाहती है CBI की टीम। इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी मदद ली जा रही है, जिससे कि जो संजय रॉय है इसकी जो दिमागी तौर पर इसके अंदर क्या चल रहा है उसको समझा जा सके और पकड़ा जा सके, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ आगे और मदद मिल सके। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा वरुण आपने, मानसिक रूप से बीमार लोगों की ही ऐसी हरकतें हो सकती हैं, ऐसा जघन्य अपराध करने की हिम्मत आ सकती है। अब वो बीमारी क्या है इसका पता CFSL की टीम लगाएगी जो कोलकाता पहुंच गई। इसी बीच बड़ी खबर क्या है, बड़ी खबर ये दिल्ली से है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही है, बैक टू बैक मीटिंग चल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आश्वासन पर अब जो टीम है वो खुद चर्चा कर रही है, उनकी अपनी इंटरनल मीटिंग चल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था, उन्हें भरोसा दिलाया था, और दोपहर में कल की अपडेट आपको बता रही हूं, जॉइंट RDA की मीटिंग हुई है। यानी एक तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट से बातचीत चल रही है, तो दूसरी इंटरनली जो भी आश्वासन दिया जा रहा है उसे इवैल्यूएट करने के लिए अपनी डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स की टीम है। ये टीम इंटरनली क्या क्या डिस्कस कर रही है, क्या जानकारी है, मदिहा से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मदिहा, कल की बातें भी, जो आश्वासन मिला उस पर ज्यादा विश्वास तो जता नहीं पा रहे, वरना स्ट्राइक को लेकर के कोई अपडेट आती, आज की क्या डेवलपमेंट हो सकती है? देखिए, RDA की, हर RDA की एक जनरल बॉडी मीटिंग होती है, इस वक्त वो चल रही है, क्योंकि जो RDA रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अकेले फैसला नहीं ले सकते, बड़ी संख्या में डॉक्टर्स इस प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं, तो सभी डॉक्टर्स से बातचीत चल रही है कि आप लोग प्रदर्शन में साथ हैं, आप लोगों के क्या सुझाव हैं। ये अभी बातचीत होगी और उसके बाद दोपहर में एक जॉइंट RDA मीटिंग होगी, क्योंकि कल हमने देखा कि जब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन आता है कि हम कमेटी बनाने के लिए आश्वासन आपको दे रहे हैं, आप बताइए अब आगे क्या करना है और स्ट्राइक को खत्म कीजिए, उसके बाद फिर एक RDA की मीटिंग कल होती है जिसमें ये बात का, इस बात का फैसला किया जाता है कि नहीं, हम इस बात से अभी संतुष्ट नहीं है, हमें आश्वासन कई बार मिल चुके हैं, हम कमेटी बनाने को रेडी नहीं है, हम चाहते हैं कि इस पर ऑर्डिनेंस आए, ऑर्डिनेंस की बात की जाए, उस पर बात हो, हम चाहते हैं CPA को लेकर ठोस जो विश्वास है वो हमें दिया जाए मंत्रालय की तरफ से। इसीलिए कल RDA की मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया कि नहीं, हम स्ट्राइक अपनी जारी रखेंगे। और इस वक्त भी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में मीटिंग्स चल रही हैं और दोपहर में एक जॉइंट RDA मीटिंग होगी, उसमें कुछ अहम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। एक तो ये डिस्कस किया जाएगा कि जो वहाँ जांच चल रही है, CBI की जांच है, वो किस दिशा में चल रही है, क्या उससे डॉक्टर संतुष्ट है, या उस पर भी कुछ बात ये लोग करेंगे आगे। और दूसरा मुद्दा जो इनका CPO को लेकर है, यानी कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स के लिए, जिसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी अश्योर की जाए, उस कानून को लाने के लिए ये लोग बात करेंगे, और हो सकता है कि दोपहर के बाद आगे का एक्शन प्लान जो है वो तैयार करें। लेकिन आज पूरे दिन भी स्ट्राइक ऑन है सभी डॉक्टर्स की, सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स की, अलग अलग अस्पतालों में आज, क्योंकि रविवार है तो OPDs तो बंद होती ही है, इसीलिए मरीज फिलहाल ज्यादा दिख नहीं रहे हैं। लेकिन कल के दिन के स्टेप्स की जो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन है वो आज ही बनने वाली है मदिहा, इसीलिए पूरे दिन आपसे जो अपडेट आएगी उस पर खासा निगाहें रहेंगी, क्योंकि वो कल की अपॉइंटमेंट को इम्पैक्ट करेंगी, जो भी लोग डॉक्टर्स के पास जाना चाहते हैं। आप बने रहे, ABP News, आपको रखे आगे।